यहाँ पर दो ब्लॉक्स है हमारे पास, एक 5 kg की ब्लॉक है, एक 4 kg की ब्लॉक है। आपको दिखाई दे रहा है कि 5 kg की ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर है, तो हमें इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है वो निकालना है। ओके, तो अब 5 kg ब्लॉक आपको इंक्लाइन दिखाई दे रही है, तो ये हमें सीखना है कि इंक्लाइन पर भी हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर 5 kg ब्लॉक को देखो तो 5 kg ब्लॉक का FBD क्या बनेगा? 5 kg ब्लॉक पर स्ट्रिंग की वजह से टेंशन टी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, और 5 kg ब्लॉक पर अलॉन्ग द प्लेन जो फोर्स काम करी वो क्या होगा? वो है 5g साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ 37। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई इसके लिए अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए जहाँ पर मैंने इंक्लाइन प्लेन को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम सिंपल कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर 5 kg ब्लॉक मूव करेगा तो वो अलॉन्ग दिस इंक्लाइन ही मूव करेगा। तो जब भी हमें न्यूटन्स इक्वेशन लिखना होता है तो हम फोर्स देखते हैं विच इज़ अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन। मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन की फोर्स से हमें मतलब है। उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होना है? इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली क्या होना है? इस डायरेक्शन मोशन नहीं होना है। जो भी मोशन होना है वो इस डायरेक्शन में होना है या इस डायरेक्शन में होना है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारी फोर्स है 5g साइन 37 और टेंशन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या फोर्सेस हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक तो ये सरफेस इस पर नॉर्मल लगा रहा है एन, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो कौन सा कॉम्पोनेंट है? वो यही ग्रेविटी का ही कॉम्पोनेंट है विच इज 5g कॉस ऑफ 37। तो हमें पता है कि नॉर्मल विल बी जस्ट इक्वल टू 5g कॉस ऑफ 37। फाइन, अब सोचने वाली बात ये है कि दो सिचुएशन हो सकता है, 5 kg नीचे भी स्लिप कर सकता है तो 4 kg ऊपर आएगा, या फिर 4 kg नीचे आ सकता है 5 kg ऊपर जाएगा। तो ये अगेन हमें पता नहीं कि क्या होना है। 5 kg का मास तो ज़्यादा है लेकिन 5 kg एक इंक्लाइन पर भी है ना, तो नीचे आने वाली फोर्स थोड़ा कम हो जा रही है साइन 37 की वजह से। तो अगेन प्रीवियस लेक्चर में मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि जब हमें समझ में नहीं आता है कि डायरेक्शन क्या होना है तो हम अपने तरफ से एक अजम्पशन ले सकते हैं। अगर अजम्पशन के हिसाब से वैल्यू आ गई पॉजिटिव मतलब हमारा अजम्पशन सही है, और अगर वैल्यू आएगी नेगेटिव मतलब हमारा अजम्पशन गलत था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम रह जाती है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। तो लेट्स से यहाँ पर हम एक अजम्पशन ले लेते हैं कि 5 kg का ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, तो 4 kg का ब्लॉक क्या होगा? इसके बाद ऊपर जाएगा। अब देखिए 5 kg और 4 kg सीधा एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है तो टेंशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, और टेंशन यूनिफॉर्म रहने के साथ साथ आपको दिख रहा है कि चूंकि एक ही स्ट्रिंग अटैच्ड है तो 5 kg अगर नीचे उतरा बाय डिस्टेंस लेट से एक्स, इसका मतलब 4 kg क्या होगा? 4 kg ऊपर जाएगा बाय डिस्टेंस एक्स। ठीक है, तो अगर 5 kg का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए, तो 4 kg का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी क्या होना है? ए ही होना है। फाइन, तो एक ही स्ट्रिंग थी इसलिए एक्सेलरेशन सेम रह गया। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? इक्वेशन हम लिखेंगे 5 kg के लिए कि 5g साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5 माइनस टी इक्वल्स टू 5a। अब हमारे पास दूसरा ब्लॉक है वो है 4 kg का, तो 4 kg ब्लॉक पर क्या इक्वेशन लिखने हैं हमें? 4 kg ब्लॉक पर नीचे की तरफ वो फोर्स काम करी, दैट इज सिंपली व्हाट? दैट इज सिंपली 4g, यानी कि 40। तो यहाँ पर हमें कोई साइन कॉम्पोनेंट नहीं लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल मोशन में है सीधा, ये सारी की सारी जो फोर्स है ग्रेविटी उसकी वजह से ये ऊपर नीचे मूव करेगा, जो है ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और उस पर टेंशन की तरह एक्ट कर रहा है वो सिंपली टी एक्ट कर रहा है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि इंक्लाइन पर क्या होता है, इंक्लाइन पर पूरा का पूरा ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता, ग्रेविटी का साइन कॉम्पोनेंट के इफेक्ट आता है अलॉन्ग द प्लेन, ठीक है, और जो कॉस कॉम्पोनेंट होता है वो नॉर्मल को बैलेंस करता है। तो अब हमने अज्यूम किया हुआ है कि ये 5 kg नीचे जा रहा है, इसका मतलब 4 kg ऊपर जाएगा, तो 4 kg का इक्वेशन क्या लिखेंगे हम? ऊपर वाली फोर्स है उसको पॉजिटिव मानेंगे, यानी कि टी माइनस 40, नीचे वाली फोर्स को नेगेटिव, इक्वल्स टू 4a। दोनों का एक्सेलरेशन a क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों के बीच में जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो सेम रहना है, तो जितना ये ऊपर उठेगा उतना ही ये नीचे जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है हमें? सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज सिंपली 30 माइनस टी इक्वल्स टू 5a, एंड सेकेंड इक्वेशन इज टी माइनस 40 इक्वल्स टू 4a। इन दोनों को अगर हम सिमल्टेनियसली सॉल्व करें तो क्या आ रहा है हमें? सो ये टी सिंपली एड अप हो जाता है तो कैंसिल हो गया, दिस इज योर माइनस 10 एंड दिस इज योर 9a। तो यानी कि a हमें यहाँ से क्या मिला? माइनस 10/9। तो देखिए, हमने अजम्पशन लिया था कि 5 kg नीचे जा रहा है और 4 kg ऊपर जा रहा है, हमारा एक्सेलरेशन है नेगेटिव, इसका मतलब रियल सिचुएशन क्या है? रियल सिचुएशन ये है
कि 5 kg का ब्लॉक एक्चुअली ऊपर जाएगा और 4 kg का ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है। तो 4 kg का ब्लॉक नीचे आ रहा है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहना है, मैग्नीट्यूड रहना है सिंपली 10/9 जो एक्सेलरेशन होना है। और 5 kg का ब्लॉक क्या हो रहा है, 5 kg का ब्लॉक ऊपर जा रहा है और उसके एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहना है, वो भी होना है 10/9। अब अगर हमें टेंशन निकालनी है वो कैसे करेंगे, इसी 10/9 की वैल्यू को, जैसे यहाँ पर माइनस ऑफ 10/9 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पुट करेंगे आपको टी की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो इट वॉज प्रिटी सिंपल, जस्ट कंसिडर द डायरेक्शन ऑफ मोशन और आप दो ब्लॉक्स होंगे, दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली लिखना है, आपको वैल्यू आ जाएगी, ओके। हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी लॉजिक पर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जहाँ पर आपको 3 ब्लॉक्स हैं, 5 kg के, 1 4 kg का और एक और तीसरा भी सी 5 kg का। आपको सिंपली दिखाई दे रहा होगा कि इधर टोटल 9 kg है, तो ऑब्वियस बात है कि ये सिस्टम ओवरऑल ऐसा इधर स्लाइड करेगा, ये 5 kg का ब्लॉक ऊपर जाएगा। ये एक ही स्ट्रिंग से सी से लेकर बी तक अटैच्ड है, तो सी में अगर टेंशन टी एक्ट कर रही है तो बी में इस तरफ से भी टेंशन क्या एक्ट करेगी, टी ही एक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रस्सी बदली, स्ट्रिंग बदला, तो टेंशन अलग हो जाती है, तो यहाँ पर टेंशन हो जाएगी कुछ टी डैश, वही टेंशन ए के लिए भी क्या हो जाएगी, टी डैश, ओके। तो 3 ब्लॉक्स तो यानी कि 3 इक्वेशंस बनेंगी, तो आप ए के लिए अलग इक्वेशन बनाइए। आपको दिख रहा होगा कि ये सीधा सब एक एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो मान लीजिए अगर ए नीचे उतरा बाई डिस्टेंस एक्स, तो ए के साथ बी अटैच्ड है, तो वो भी कितना नीचे उतरेगा, वो भी एक्जैक्टली एक्स ही डिस्टेंस नीचे उतरेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग का लेंथ सेम रहना चाहिए। फिर बी अगर एक्स नीचे उतरेगा तो सी भी क्या है, वो भी एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो सी ऊपर चढ़ेगा विथ डिस्टेंस एक्स। इसका मतलब तीनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहना है, सेम रहना है, तो तीनों के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल होगा जस्ट ए। तो आप इक्वेशन देखिए, ए के लिए नीचे की तरफ जो फोर्स होगी उसको पॉजिटिव मानिएगा, बी के लिए भी जो नीचे की तरफ फोर्स होगी उसको पॉजिटिव मानिएगा, सी के लिए मगर ऊपर वाली फोर्स को पॉजिटिव मानिएगा। तीन इक्वेशन बनेगा, तीनों को इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर आपको आता है, जो ए की वैल्यू आती है, वो आप कमेंट में एज अ कमेंट पोस्ट कीजिए इस वीडियो के, मैं आपको कंफर्म करूंगा कि आपकी वैल्यू सही है या गलत है, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।